नाम अतुल सेलुगर है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और सोराइसिस मुझे 2006 से है और उसके लिए मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हैं। मैंने होम्योपैथी भी लिया है, आयुर्वेदिक भी लिया है, एलोपैथी भी लिया है। होम्योपैथिक से मुझे इनिशियली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे स्पॉट से लाइक मेरे लेफ्ट पैर पे एक स्पॉट था, उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था, तो उसके वजह से मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह चेंज किए। आयुर्वेदिक में भी ट्राई किया, एलोपैथी में भी ट्राई किया, तो ऐसे कंटिन्यूली मैं सोरेसिस के लिए रिसर्च मेरा चालू ही था। तो एक दिन लाइफ फोर्स का नाम आया उसमें, तो मैं लाइफ फोर्स से आई थिंक अक्टूबर 16 में कनेक्ट हो गया उनसे और उनके मेडिसिंस में ले रहा हूँ। तो एक मुझे एडवांटेज इसका ऐसा लगा कि लेफ्ट पैर पे जो मेरा बड़ा सा पैच था उसमें मुझे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट नज़र आई, मतलब 75% वो मेरा पैच कम हो गया क्योंकि वो सबसे बड़ा पैच था। और बाकी बॉडी पे थोड़े थोड़े इसमें था, उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया, बट मोस्टली जिस चीज़ के लिए मैं देख रहा था कि मेरे लेफ्ट पैर का पैच जो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो ऑलमोस्ट वो फिलअप था, मतलब रफ था, वो स्केलिंग भी था। बट राइट नाउ अभी एक साल हो गया है, आज भी मैं देखता हूँ तो उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। स्केलिंग नहीं है, कुछ कुछ जगह पर वो एक्टिव है बट वो भी बहुत कंट्रोल में है। अगर बताने जाऊँ तो यहाँ पे मतलब जो जो बेसिक इंस्टिंक्ट था वो मेरा बहुत कम हो गया, तो इसके लिए उसका मुझे सेटिस्फेक्शन है और भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पूरा चला जाए, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो थैंक्स फॉर दैट लाइफ फॉर